ये क्वेश्चन आपका गिवन है, इसमें Z1 की वैल्यू ये गिवन है, Z2 की वैल्यू ये गिवन है। इसको कहते हैं हम आयोटा, इसको कहते हैं हम कॉन्जुगेट। ठीक है, आयोटा का भी मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या होता है। बेसिकली ये रियल नंबर है, ये रियल पार्ट है और ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सेटिस्फाई करना है। ठीक है, हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं इधर, हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख ली हैं, और वैल्यूज़ लिखने के बाद हम उसी तरह से साइन बाय साइन जो है साइन वाइज हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले मैंने Z1 प्लस Z2 लिखा है सिंपल, और इसकी वैल्यूज़ मैंने पुट अप कर दी हैं यहाँ से, ये प्लस साइन ये और Z2 की वैल्यू ये। ठीक है, अच्छा अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने वैल्यूज़ पुट अप कर दी थी, मैंने इसका कॉन्जुगेट जो है अप्लाई कर दिया बोथ साइड। ठीक है, कॉन्जुगेट इस बार को कहते हैं हम टोटल। इस बार को हटाने से ये होता है कि जो आयोटा या रियल कॉम्प्लेक्स के दरमियान की जो टर्म होती है वो नेगेटिव या साइन चेंज कर लेती है, बाकी किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वैल्यूज़ वैसे ही लिखी हैं सेम टू सेम, यहाँ से मैंने लिख ली हैं ये सेम टू सेम। ठीक है, और ये 5/2 कैसे हुआ, ये 2 होल 1/2 से इसको फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ से ये -4 और 5/2 नॉर्मल नंबर हैं यानी कि रियल नंबर्स हैं, इनको एक तरफ कर लिया, और आयोटा वाले यानी कॉम्प्लेक्स नंबर वो एक तरफ कर लिए। तो 6 माइनस 2 जो है वो 4 हो जाएगा, और -4 + 5/2 जो है वो हो जाएगा हमारे पास -3/2। आप इसको सॉल्व करेंगी जब रफ वर्क में। ठीक है, +4 iota एज इट इज़ कॉन्जुगेट आपका लगा हुआ है, इसको जब आप रिमूव करेंगी कॉन्जुगेट को तो ये टर्म अपनी तरह सेम रहेगी, बट ये जो बिटवीन साइन है मिड साइन है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, ये प्लस है तो माइनस होगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 4 iota एक साइड हमारी ये आ गई आंसर। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे, सेम आंसर बिल्कुल सेम ऐसे ही आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है, राइट हैंड साइड हमने रखी है ये, ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन थी इसकी वैल्यूज़ पुट अप कर दी, और इसमें जो कॉन्जुगेट है ना वो भी लगा दिया। ठीक है, कॉन्जुगेट रिमूव करने से -4 एज इट इज़ है, बिटवीन टर्म मिड टर्म जो है वो चेंज हो गई, -6 आई हो गया प्लस। ठीक है, अभी मेरे बेटे साहब जो हैं वो स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, और उसमें जो है मुख्तलिफ एनिमल्स की आवाज़ें आ रही हैं, भेड़ें आएंगी तो वो कहानी सुना रहे हैं। एनीवे, सेकंड कॉन्जुगेट लिखा, प्लस साइन एज इट इज़, 5/2 यहाँ से आ गया, प्लस साइन क्यों चेंज हुआ, क्योंकि कॉन्जुगेट रिमूव हुआ है, मिड साइन जो है नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव हो गया 2 iota। ठीक है, अब इसको और इसको जो भी रियल नंबर्स हैं उनको ऐड अप कर लेंगे, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको ऐड अप कर लेंगे। -4 + 5/2 का एलसीएम लेके आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3/2। ठीक है, और जो है 6 iota और 2 iota की जब सॉल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। ठीक है, तो ये इस तरह से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सेम आ गए। सही है,